मध्य प्रदेश भाजपा के उम्रदराज नेता सत्ता का मोह छोड़ पाएंगे या नहीं, यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। दरअसल पार्टी के कई नेता बीजेपी के 70 प्लस फार्मूले में फिट नहीं है, लिहाजा उन्हें टिकट मिलने में दिक्कत आ सकती है। पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारने में हिचकिचा सकती है। हाल ही में विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीतासरण शर्मा का एक बयान वायरल हुआ है। इसमें वे चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर कहते दिख रहे हैं। वो बंद कमरे में कहते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, दो कैबिनेट मंत्री और पार्टी के लगभग 13 विधायक अगले साल होने वाले चुनाव के दौरान 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे। पार्टी ने टिकट देने के लिए एक फार्मूला तय कर रखा है। इसके तहत 70 साल से अधिक की उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने का मापदंड फिक्स है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बिसाहूलाल साहू भी टिकट के हकदार नहीं है। ये दोनों शिवराज सरकार की कैबिनेट में उम्रदराज मंत्री हैं। ये आगामी चुनाव में उतरने के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं अक्टूबर 2023 की स्थिति में कौन मंत्री और विधायक होंगे 70 पार। गिरीश गौतम जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनकी उम्र है 70 साल 6 महीने। गोपाल भार्गव जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी उम्र है 70 साल 9 महीने। बिसाहूलाल साहू जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी उम्र है 73 साल 2 महीने। जो कि पाटन विधानसभा से विधायक हैं, इनकी उम्र 71 साल 3 महीने हो चुकी है। गौरी शंकर बिजसेन जो कि बालाघाट विधानसभा से विधायक हैं, 71 साल 1 महीने के हो चुके हैं। सीतासरण शर्मा जो कि होशंगाबाद विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 73 साल हो चुकी है। गोपीलाल जाटव जो कि विधानसभा गुना से विधायक हैं, इनकी उम्र 75 साल 1 महीने हो चुकी है। नागेंद्र सिंह जो कि नागौद विधानसभा से विधायक हैं, इनकी उम्र 80 साल हो चुकी है। श्याम लाल द्विवेदी जो कि त्योंथर विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 74 साल 1 महीने हो चुकी है। नागेंद्र सिंह जो कि गुड़ विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 80 साल 11 महीने हो चुकी है। राम लल्लू वैस जो कि सिंगरौली विधानसभा से विधायक हैं, इनकी उम्र 72 साल 6 महीने हो चुकी है। जय सिंह मराबी जो जयसिंह नगर विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 71 साल 9 महीने हो चुकी है। प्रेम शंकर कुंजीलाल वर्मा जो कि सिवनी मालवा विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 72 साल 2 महीने हो चुकी है। महेंद्र सिंह हाडिया जो कि इंदौर के 5 बार विधायक रह चुके हैं और इंदौर विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 71 साल 1 महीने हो चुकी है। पारस जैन जो कि उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 73 साल 3 महीने हो चुकी है। देवीलाल धाकड़ जो कि गरोठ विधानसभा के विधायक हैं, इनकी उम्र 70 साल 9 महीने हो चुकी है। कई ऐसे नेता भी हैं जो पिछले चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अगले चुनाव के लिहाज से अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन नेताओं में उमा शंकर गुप्ता, रामकृष्ण कुसमारिया, हिम्मत कोठारी और रुस्तम सिंह भी टिकट के लिए दावेदार कर सकते हैं, लेकिन चुनाव तक इन सभी की आयु 70 के पार हो जाएगी। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी इस फार्मूले का गहरा असर पड़ा है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान से बाहर होने का डर सताने लगा है। चुनाव आने पर पार्टी इनको रिटायर कर सकती है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 690 अमले की उम्र का यदि ब्यौरा करें, 25 से 30 उम्र के 10 विधायक, 31 से 40 उम्र के 94 विधायक, 41 से 50 उम्र के 188 विधायक, 51 से 60 उम्र के 228 विधायक, 61 से 70 उम्र के 151 विधायक, 71 से 80 उम्र के 17 विधायक तथा 81 उम्र से ज्यादा केवल 2 विधायक है। राजनीतिक दल कई तरह के मापदंड तय करता है, लेकिन चुनाव आने पर किसी भी तरह से सिर्फ जीत ही मकसद होता है। ऐसे में तय किए गए मापदंड भी कई बार ब्रेक किए जाते हैं। बीजेपी का 70 का फार्मूला पिछले चुनाव में था, इसके बाद भी भाजपा कांग्रेस ने 70 से या इससे अधिक उम्र वाले 9 नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इसमें से सिर्फ 4 को जीत मिली थी। सबसे अधिक उम्र वाले भाजपा के मोती कश्यप 78 और कांग्रेस के सरताज सिंह 78 चुनाव हार गए। भाजपा के 3 प्रत्याशी गुड़ से नागेंद्र सिंह 76 साल, नागौद से नागेंद्र सिंह 76 साल और रेगौर से जुगल किशोर बागरी 75 साल चुनाव जीतने में सफल रहे। कांग्रेस से सिर्फ 1 प्रत्याशी कटंगी से तमलाल रघुजी सहारे 71 ही चुनाव जीतने में सफल रहे। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह विधानसभा में सबसे उम्रदराज जनप्रतिनिधि बने थे। अब राज्यवार की बात करें तो यूपी में 71 से 80 साल के 11 विधायक, 81 से 90 साल के केवल 2 विधायक। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 71 से 80 साल के 2 विधायक, उत्तराखंड में 71 से 80 साल के 2 विधायक तथा गोवा में 71 से 80 साल के केवल 1 विधायक है। 10 मार्च 2022 को जारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अब देश की राजनीति में 70 से ज्यादा उम्र के नेता तेजी से कम हो रहे हैं। 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों के परिणाम में 70 से ज्यादा उम्र वाले सिर्फ 19 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।